अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम जी। मलेशिया वजाहत जी। जी बिलाल भाई, मुझे अपनी सिस्टर के बारे में मालूम करना। फरमाइए, ऊंचा बोलिएगा जरा। नाम बताऊं मैं? जी बताइए, बता आपकी मर्जी है बेटा। तमकीन नाम है, ते मीम काफ ये नून। ठीक। अच्छा, और मसला ये है कि वो हर वक्त जो ना गुस्सा करती रहती है, और कोई चीज खाना वाना दो तो मना कर देती है, मैं नहीं खा रही, मतलब फेंक देना या इस तरह दूर कर देना, थोड़ी देर में उठी खाना लिया, खाना खाना है, या कर समटाइम ऐसा होता है कि लोग उठती है सुबह तो बस गुस्से में रहना। इस बात कर सुबह उठती किस वक्त है पहले तो ये बताओ। तो अम्मी ने किसी को दिखाया बेटा, सुबह उठती कितने बजे है तमकीन? हामिद वगैरह को दिखाया अभी तक सिस्टर को, तो उन्होंने बोला इस पर जादू है, इसका असरात है। अच्छा, मुझे दो तीन बातें जो है ना वो बताओ बेटा। पहले तो ये बताओ कि बेटी की रूटीन क्या है, वो सोती कब है और उठती कब है? नॉर्मल टाइम है, रूटीन वही जैसे अम्मी उठी है, जैसे सुबह 10:30 घर वालों के साथ। 10:30 रूटीन है, नॉर्मल है जी। आपके नॉर्मल जो है वो मलेशिया में रहने की वजह से कुछ थोड़े से बदल गए हैं भाई। 10:30 के बाद लंच टाइम शुरू हो जाता है मेरा। डॉक्टर साहब ये जो करेक्टर है कि चिड़चिड़ापन रहना हर वक्त और थैंकलेस रहना हर वक्त और हर बात पे क्रिप करना, ये नफसियाती मसाइल होंगे या नहीं? नहीं, 100% नफसियाती मसाइल होंगे। हाँ। देखिए जो है ना, आप अगर मियां बीवी के ताल्लुकात ले लेते हैं या जॉब करने वाले लोगों के ताल्लुकात ले लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है, नंबर वन। हाँ। नंबर टू, कंपेटिबिलिटी कितनी है आपस में, अंडरस्टैंडिंग कितनी है। और फिर एक और बहुत बड़ी बात जो मियां बीवी में मैंने देखी है, देखिए ये वो रिश्ता होता है कि जिसके अंदर अगर आप एक दूसरे के मुकाबले पर आ जाते हैं ना, गई तो फिर चिड़चिड़ापन खत्म। ये वाहिद रिश्ता है जिसमें हमेशा मैं कहता हूं कि हारने वाले की जीत होती है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, कमाल बात करी। और सब, आई लव यू यार, लाइक ऑलवेज। वाह वाह वाह, हारने वाले की जीत होती है, उसी से घर चलता है। मैं तो आई गॉट 3 daughters, माशाल्लाह उनकी शादियां हुई हैं। मैंने 3 बातें उनको समझाई थी। एक तो मैंने कहा था कि बेटा मियां के साथ बहस ना करो, क्योंकि आधी से ज्यादा ये लड़ाइयां फजूल की बहस से शुरू होती हैं। और नंबर टू, हारना सीखो। हाँ। भले पूरी दुनिया में तुम खड़े हो जाओ और जीतो, लेकिन हारना सीखो, यहाँ पे तुम हारना सीखो। हाँ। और तीसरी मैं आपको बात बताऊं जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अगर देखिए, मूड मूड को जन्म देता है। हाय 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 हाय, मूड मूड को जन्म देता है। वाह वाह वाह, आपकी एक स्माइल जो होती है वाह, वो मेरे चेहरे पे कई स्माइल बिखेर देगी। और आप एक दफा अगर मुझे घूर के देखेंगे तो पता नहीं कितनी घूरियां जन्म लेंगी। क्या बात है। तो इसलिए आप अपने आप को प्रेजेंट रखें। क्या बात है। मैं ये बात जो है ना, ये अदबन और आजजन नहीं है, बिल्कुल तजर्बे की और पूरी जिंदगी के और पूरे ईमान के जोर पे कह रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में बड़े कम लोग देखे हैं जो अपनी बेटियों और बेटों को मशवरा देके रुखसत करते हैं। हम जो उनको मशवरा देते हैं, जाके सबर करी, जाके वो नेगेटिव पे नहीं खेलते। ये जो मसाल है इसके लिए, जो डॉक्टर साहब ने बात नहीं कही वो कहूंगा, और इनकी बेटी सुंदर, क्योंकि उसको मैं जानता हूं, उसको जहन में रखते हुए, जब तक वो परवरिश करके वहां तक नहीं लाए, उसको ये समझाया नहीं जा सकता कि हारने में जीत है। वो जो पीछे बिल्ट अप है वो बड़ा ज़रूरी है। आसवा, इस पे आप अपनी राय दीजिए। जो हमारे रिश्ते हैं उनमें ये जो तलखी है, सुबह उठना है, 10:30 नॉर्मल है उठना, हो सकता है चिड़चिड़ापन इस तरह के आए अगर, तो आप ये समझेंगी कि इस खातून के ऊपर कोई असरात हैं, क्योंकि आमलीन ने उनको ये बताया है कि इन पे असरात हैं। ये जो चिड़चिड़ापन है, और ये मेरे ख़्याल से इनकी ये जो एक रूटीन वर्क है, इसमें बरकत नहीं है, जिसकी वजह से लेट उठने की वजह से ये इनको मामलात पेश आ रहे हैं। और चिड़चिड़ापन और या फिर एक दूसरे से बहस करना, लड़ाई झगड़े होना, इसमें हम ये राय रख ज़रूर सकते हैं, हो सकता है इन पर वाकई कोई असर आमलीन ने जो कहा होगा कि इन पर है, उनकी वालदा उनको लेकर गई हैं, तो आपके ख्याल में आमलीन ने किस बुनियाद पर कहा होगा?
देखिए इन्होंने हमें तो घर की उठने की बैठने की जागने की सोने की रूटीन बताई है, लेकिन मेरे ख्याल से आम अलीन को यह सब कुछ नहीं बताया होगा और उन्होंने पूछा भी नहीं होगा, जिसकी वजह से उन्होंने एक अपनी हतमी राय कायम कर ली है कि ये यकीनी ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने सिम्टम वो बताए हैं कि जो वाकई ऐसी कैफियतों में हम खासतौर पर इस बच्चे से पूछना चाह रहा था कि वो उठते क्यों लेट है, क्योंकि जब पेशेंट जो है वो डिप्रेशन के साथ हो तो अक्सर उसका जो रूटीन पैटर्न होता है स्लीप करने का वो बड़ा डिस्टर्ब होता है, वो लेट स्लीप में जाएगा और लेट राइज करेगा, अर्ली राइजर नहीं होगा, इसलिए मैं पता कर रहा था। हबीब भाई आपने भी बात सुनी, अगर कोई मुरीद आए और वो कहे कि जी मेरी बीवी चिड़चिड़ बड़ा कर दी है, सारा वल्ले गुस्सा कर दी रहती है, तो उसको तावीज देंगे या कोई मशवरा? बिलाल साहब मैं इसमें ये जो क्रांति साहब के अली साहब जी जी मैं उस रेफरेंस में भी एक जी जी हमारे माशरे में एक ये बात है, बच्चे बच्चे की शादी जब होती है तो बच्ची की सहेलियां उसको मशवरे देती हैं जी, बच्चे के दोस्त उसको मशवरे देते हैं जी, और जो डॉक्टर साहब ने बात कही कि आपस में मुकाबिल मत आए, वाह एक दूसरे का साथी बनकर, और ये चीज इसमें एक अरब की खातून उसकी एक उसने 10 नसीहतें की हैं अपनी बेटी को, और उसमें जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की है उसमें ये बातें उसने कही हुई है कि जब तुम देखो कि तुम्हारा खावद अफसुरदा है तो उसके सामने अपनी खुशी का इजहार न करो, और जब तुम देखो कि तुम्हारा खावद खुश है तो उसके सामने अपनी अफसुरदगी का इजहार न करो, आमद घर आया है तो उसके साथ अच्छे तरीके से अच्छी बात अच्छी गुफ्तगू करो, ये तो ये बात इसमें कि ये वालिदैन को भी दोस्तों को भी सहेलियों को भी ये उनको पॉजिटिव रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये है कि हमारे आज रागने का चलन हो गया है, ये शायद बहुत सी बीमारियों का ये मूजब बन गया, बिल्कुल ठीक, क्यों और सुबह आप फजर से पहले क्यों नहीं उठेंगे, दोनों बातें अगर नबी ने फरमा दी हैं तो खुदा के वास्ते एक तो माननी नहीं आपने और फिर आपने असरात के ऊपर जाना और उसको रूहानियत कहना, ये थोड़ी सी ज्यादा बात हो जाती है।